हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे तो यार हिंदी नहीं बोली जाती यार, की करा यार। इस करके यार मैं पंजाबी च व्लॉग बनाऊंगा हूँ तो ठीक है। तो अज असी जा रहे हैं जी हंडोला ब्रिज, बहुत ही सोहना ब्रिज है। तुहानू असी सोहने सोहने व्यू दिखाऊंगे। तो सब तो पहला मैं अपने दोस्त नूं पिकअप करूँगा, शुभम, तो मिलते हैं जी वीडियो। हाँ जी, हुण असी पहुँच गए हैं जी शुभम दे घर। बैल मार के उन्हें बुलाते हैं बाहर, आएगा वो। तो चलते हैं जी अभी फिर हंडोला ब्रिज। और शुभम क्या हाल है? और अंकित कैसे हो अंकित भाई? बस बढ़िया बढ़िया। और चलिए फिर, चले रेडी है? और रेडी रेडी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट करो पूरा। ठीक है, चलो। इतनी खुशी, इतनी खुशी। गाइस वो देखिए, बहुत ही बेहतरीन। चल 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 चल। आवाज रख। ओ यहाँ पे हमारी बाइक पूरी फंस चुकी है। एक्चुअली जब से बारिश हुई है तो मिट्टी थोड़ी सी नरम हो चुकी है, पर हमारे अंकित भाई हार नहीं मानते हुए, ये कुछ स्टंटमैन की सो गाइस ये जड़ी तुसी टनल देख रहे हो, मां मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां? ये 1948 की बनी हुई है, बहुत सोहनी टनल है। तो उपर जो व्यू देख रहे हो बैक साइड तो यदि रिवर है, बहुत सोहना व्यू है। अगर साइड को टाइम मिले तो आप पिछला व्यू भी दिखावे। तो जरा तुम मैं हंडोला ब्रिज दसाया टनल के थ्रू होकर जाऊँगे असी, तो तुम असी रस्ते पूरा व्यू दिखाऊंगे, टनल पूरी पार करा आप बाइक पर। तो गाइज असी हुणे हुणे टनल तो बाहर आए हैं, मतलब कि पूरी तरह बस हो गई है। इस टनल तो निकलना बहुत मुश्किल वाला काम है। तुसी पूछ सकते हो इन्होंने, शुभम जी दसो। बहुत टफ काम है, सुरंग तो बाइक चलानी बहुत औखी है, थले बजरी पई हुई है, टायर स्लिप कर दे। बिल्कुल बिल्कुल यही समझ सकते ने, क्योंकि इन्होंने बाइक चलाई है। तो तुहानू असी नज़ारा दिखांदे आ हुण।
गाइज असं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए तो वह देखो जी बाई न कि काली पई है डेस्टिनेशन देखने की मेरे तो पहले ही पुज गया हो उपर देखो जी चलो जी चलिए फिर सो गाइज लोकेशन से तो पहुँच गया बहुत सोहना व्यू होया हुआ एक तो जो थोड़ी देर पहला जो असं निकलना से घरों उस तो पहला बारिश होकर हटी सी वो करके मौसम इज ऑसम पिछे तुम देख सकते हो वाओ इट्स ऑसम सो अंकित भाई हूँ अगे की वीडियो शूट करूँगा तुम दसूँगा डिटेल्स सो गाइज असं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए तो तुम काफ़ी पुल देखे होने कि सिंगल साइड पुल हों आन जा रस्ता सिंगल साइड तो होंगे तो यह कुछ डिफरेंट पुल है जान का रस्ता भी अलग है आन का रस्ता भी अलग है तो सेंटर से जाके मेनली गल है कि ये उपर बाइक कार ट्रैवल कुछ नहीं कर सकती इस दे उपर पैदल जा सकते हैं मेनली साइकिल भी जा सकता है तो सेंटर से जाके पुल बहुत ज़्यादा हिलता है तो 1160 फुट की लंबाई है मतलब कि यह कदों का बनया हुआ पुल यह 1948 मतलब कि एस्टिमेट कह सकते अपन 1948 का बनया हुआ पुल है बहुत सोहना पुल है हिमाचल के पुल मेनली है हिमाचल की जन्नत है यह अपने ब्रिज के सेंटर से पहुँच गए हाँ बहुत ज़्यादा हिल रहा पुल मैं तो यही सारे सलाह दूंगा कि सेंसिटिव लोग मतलब कि कमज़ोर दिल वाले लोग इतने ना आन क्योंकि ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलता सेंटर से असं पुज चले हाँ ब्रिज के उधर तुम देख सकते हो रौनक बहुत लगी हुई है काफ़ी लोग अच्छे आए हुए हैं मौसम वधिया है तो गाइज हूँ जो ये देख सकते हो पुल यह सारा पहले लक्कड़ का होंगे पुल यह मतलब कि कोई इतने सपोर्ट नहीं होंगी सी इस टाइप की कोई सपोर्ट नहीं होंगी सी ये उपर काफ़ी सरकार ने बदलाव करता हुआ ये उपर मतलब कि सब कुछ वधिया करता हुआ ये पिछले साल रिपेयरिंग हो गई है ये तुम देख सकते हो गाइज बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत वधिया फील हो रहा हूँ और देखो पिछे उधर मुंडे नहा रहे थे पिंड वाले लोकल बंदे इत्थे लोकल जो पिंड वाले बंदे ने वो नहाण वग नहाण लई आंदे ने कई अपना कपड़े कुपड़े जिद्दां तुहानू पता ही है पिंडां विच आम चलता है सो हुण तुहानू बारिश एक्चुअली तेज़ हो रही है काफ़ी असीं शायद भेज देवांगे जांदे जांदे राह च सो बैक कैमरे नाल तुहानू व्यू दसदा अंकित भाई कुछ कहना चाहोगे जगह लई बस बहुत बढ़िया जगह है बहुत बढ़िया जगह है वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ओवर आ देख लो पहला इतने बहुत कट हो रखा सीगा हुण जिद्दी मी स्टार्ट होया सारे लोकी हुण भजन नु स्टार्ट हो गए ओ देख लो बंदे किदा बसदे ने भजू 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 सो गाइस एक्चुअली इथे कोई इन्ना ज़्यादा खास ब्रिज है नहीं है पर आप तो 1160 फुट पूरे करके दिखावे आप पूरे राउंड करके दिखावे ब्रिज का स्टार्टिंग लोकेशन है ए वाली तुम देख सकते हो होर व्यू आता है तो गाइज एक होर मतलब कि अगर तुम व्हीकल पर आना चाहते हो कार या फिर बाइक पर जाना चाहते हो तो मैं शुभम जी दसूंगे इस लोकेशन पर आयो तो गाइज जे तुम
कार वगैरह से या बाइक वगैरह से। जो मेन रोड इस ब्रिज लई लगता है वो ये रोड है, तुम देख सकते हो काफ़ी जो भी टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे इतने मेनली अगर तुम कार में आ रहे हो तो ये रोड तो आ सकते। इस दा ब्लॉग असी होर नैक्सट वीडियो में थोड़ा दस देंगे जो रोड ये लगता है। वैसे तुम गूगल लोकेशन असी लोकेशन डिस्क्रिप्शन भी पा देंगे, तुम वह ओपन करके भी आ सकते हो इतने। सो कार वगैरह पार्क कर सकते हो इधर साइड में, काफ़ी खुली जगह है। एंड हूँ थोन अंकित जी अगे कंटिन्यू करूँगे। मेनली मोटिव सिगा जी तुहानू हंडोला ब्रिज दिखाना। असं एवं झूठ नहीं बोलना कि इतने बहुत सारी लोकेशन है, इतने मतलब कि हंडोला ब्रिज ही है मेन लोकेशन। लोग इतने यही लोकेशन देखने आते हैं, तो आप लोकेशन दिखाती है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो, जो वधिया लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो। तो मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो नैक्सट वीडियो।